Question number 9. A broach is made with silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. यहां जो figure मैंने बना दिया वो देख लीजिएगा, आपके book में अलग बना हुआ है, design करने की जरूरत नहीं थी, वैसे समझ गए होंगे आप. First, total length of the silver wire required. Second, the area of each sector of the brooch. बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ब्रॉच है, ठीक है, इसमें 5 डायमीटर्स हैं जिनकी लेंथ है 35 मिलीमीटर. तो बच्चे रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 35/2 हो जाएगी. आप चाहें तो सॉल्व भी कर लीजिए, बाकी ऐसे रहने दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो आपने पहले वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इस ब्रॉच को बनाने में कितने सिल्वर है ना, कितने लेंथ की सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी. तो बच्चों टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ब्रॉच प्लस 5 डायमीटर्स. समझ पाए बच्चों? तो पेरीमीटर ऑफ ब्रॉच बच्चों ये सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा, 2πr प्लस 5 इंटू 2r. समझ पा रहे हो बच्चों? ये है ना डायमीटर, यहां 2r ही तो होगा. आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, 35/2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 35/2. इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसे 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये इसे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो गया 110 प्लस 110 और ये हो जाएगा 175. दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आ गया 285 सेंटीमीटर, मतलब इतनी वायर की जरूरत पड़ेगी. सेकंड पार्ट बच्चों देख लीजिए. बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रॉच बना हुआ है ना, वो 10 इक्वल सेंटर से बना हुआ है. तो इसका मतलब ये कि जो सेंटर एंगल है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. तो आप सेक्टर एंगल पता कर सकते हैं कैसे बच्चों? 360 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना. सेक्टर एंगल इज इक्वल टू 360/10, ये आ गया बच्चों 36 डिग्री. समझ में आ गया होगा बच्चों को, ठीक है ना. अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू θ/360πr² थीटा. बच्चों हमारे पास 36 है, अभी पता किया, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2, ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 11 टाइम्स और ये इससे 5 से कैंसिल कर दिया जाएगा 2 टाइम्स, जबकि हो जाएगा 5 टाइम्स. इसे आप लिख पाएंगे ऐसे ही, 36/36, 22/7, 35/2, यहां जो 2 टाइम्स लिख लेंगे, ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 11 टाइम्स, अगर इससे कैंसिल करें तो 5 टाइम्स, 5 से बच्चों ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 11 की 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 385 और अपॉन 4, 96.25 मीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर बच्चों. और बच्चों ये भी मिलीमीटर ही रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है.